मेरे अति प्रियो प्रभु येसु मसीह के नाम से मेरा आपका प्यारा नमस्कार। डर नहीं ना, हिम्मत के साथ है ना। किसी चीज के चलते अंदर डर है, परिस्थिति को देख के, मनुष्य को देख के, दुष्ट आत्माओं को देख के, इस प्रकार घबराहट के साथ है ना। प्रभु क्या कहता है देखिएगा, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 8वां वचन में, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। क्यों डरते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, कभी नहीं त्यागूंगा नहीं छोड़ूंगा। फिर क्यों घबराते हो? फिर क्यों तुम दुखित में हैं? इसलिए प्रभु कहता है, डरने के जैसे परिस्थिति आने के बावजूद भी प्रभु साथ में रहने से ना घबराऊंगा ना डरूंगा आपको बोलना है, तब प्रभु देखेगा, नहीं डरूंगा नहीं घबराऊंगा। प्रभु उसको देखता है, आपके विश्वास की सारी बातों को प्रभु देख के, आपके विश्वास को आदर और सम्मान के लिए आपकी घबराहट को बदल के आशीष में बदल देंगे। घबराहट डर के साथ रहेंगे, शैतान आपके जीवन में आकर पूरा नुकसान कर देगा। डर और चिंता आज आपके दिल से दूर होना है। पिताजी, डर और चिंता आज इस संतान से दूर होने के लिए, इस बेटी के दिल से परमेश्वर सारे घबराहट को दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तू मत डरो, तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु इस वचन के अनुसार ये सारे डर को आज इनके दिल से आज दूर करते हैं। प्रभु जी तू साथ में रह के सारे चीज को भलाई में बदलता है। प्रभु जी यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, आमेन आमेन।